चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। जैसे मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के अंदर जो मेजर 3 पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी ये चैप्टर आप वीडियो देख रहे हो या आप टेक्स्ट बुक में से लर्न कर रहे हो, तो एट द टाइम आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे लैपटॉप के बारे में या कंप्यूटर जो इजीली मूवेबल नहीं है उसके बारे में माइंड में सेट करना है। सेकंड, इसमें इंटरनेट तो कंपलसरी चाहिए कि विदाउट इंटरनेट ओके ये सब पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट पर कैसा होना चाहिए? ब्रॉडबैंड, जो आपके घर पे केबल के थ्रू आ सकता है। एंड थर्ड वन, ये रेफरेंस बुक के अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं वो सब किसके है? वेबसाइट के हैं, राइट है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर ये 3 मेन पॉइंट माइंड में सेट करने के बाद ही आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो यू नो वेरी वेल, विदाउट इंफॉर्मेशन अभी कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो भी फील्ड के अंदर एंट्री लेना हो तो आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बट इंफॉर्मेशन पास करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर भी अवेलेबल है और इंटरनेट है। बट इसमें से बेस्ट है इंटरनेट, वो बिजनेस की हो या कोई स्कूल की वेबसाइट हो, राइट। ये सब में मेन इंफॉर्मेशन इंटरनेट के बिना, मोबाइल डिवाइस के बिना ओके इंफॉर्मेशन इजीली हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया जाएगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, कोई वेबसाइट है जो एजुकेशन की रिगार्डिंग है, तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, लाइक कोर्स के बारे में, कोर्स के कंटेंट के बारे में, स्टूडेंट एंड फैकल्टीज के बारे में, रिव्यू है, कितने कौन से फैकल्टी है, उसकी डिग्री क्या है, राइट। उसके ऑप्शन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो कोई, उसके अंदर कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक प्रोडक्ट के डिटेल्स, उसके फीचर्स के बारे में, सप्लायर के कौन है वो, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, ई कॉमर्स के वेबसाइट के अंदर अवेलेबल होना, जिससे अपने क्लाइंट को, जैसे एग्जांपल एजुकेशनल कोई वेबसाइट हो उसके अंदर स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए हम वेबसाइट बनाते हैं, और बिजनेसमैन की हो तो बिजनेस के लिए। बट ये दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, वेबसाइट है, सबका पर्पज डिफरेंट होता है। जैसे .com तो कॉमर्शियल के लिए, .org ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट, और .edu एजुकेशन पर्पज। तो ये सब यहाँ पे इंटरनेट के इनसाइड ई कॉमर्स के अंदर ये मेन टॉपिक रहेगा आपके लिए। एंड देन हमने यहाँ पे ये टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया गया, जैसे कोई भी पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, तो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म का यूज करके क्या काम कर सकता है, लाइक पेइंग बिल, बैंकिंग, शॉपिंग ओके, कोई बिजनेस एक्टिविटी और भी करना चाहते हैं तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोवाइड द कैटलॉग, ट्रेडिंग स्टॉक एंड कस्टमर सर्विस, ये सबका मेन पर्पस क्या होता है? ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। ई कॉमर्स कैन ऑल्सो define the buying and selling the product, services and information using electronic media like internet. Internet के बिना ये सब कुछ possible नहीं है। इसके through benefit क्या मिला? Distance and take the benefit of global market and business opportunity. Means पूरे world में से कहीं से भी आप अपना small business को expand करके big business side आप divert कर सकते हो। ई कॉमर्स में सब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके अंदर में क्या कौन सी प्रोडक्ट आप डिफरेंट टाइप्स के मेथड से बाय और सेल कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट लाइक सर्विसेज, बुक ऑनलाइन, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, कार्स, हॉलीडे पैकेज, कई सारी ऑप्शंस आप ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो यूजिंग फॉर। इससे बेनिफिट क्या है? वॉल वर्ल्ड ऑफ द ग्लोबल विलेज, इसके थ्रू भी बेनिफिट, पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन, एनीवन कैन बाय एनीथिंग एनी टाइम एंड एनीवेयर,
ये जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यही यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्योर थियोरिकल चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। टोटल कितने एप्लीकेशन के ई कॉमर्स के टाइप्स हैं बोले? एट, विच फर्स्ट इंटरनेट बुक शॉप, सेकेंड वन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, थर्ड ऑनलाइन ऑक्शन, एंड इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, फोर्थ वन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ऑनलाइन बिलिंग, सिक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, सेवन सपोर्ट सर्विस, एट नेट बैंकिंग। ओके, टोटल एप्लीकेशन दैट्स मीन्स व्हाट? अब वेबसाइट और इंटरनेट का यूज करके कौन से मैक्सिमम सर्विसेज का आप यूज कर रहे हो, इसको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोला गया एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ओके, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्लैरिफाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स के इनसाइड सबसे फर्स्ट इंटरनेट बुक शॉप, ऑनलाइन बाय और सेल करने के लिए कौन सी बेस्ट वेबसाइट है? अमेजॉन। ओके, अमेजॉन ने सबसे पहले ऑनलाइन बुक स्टोर के बारे में सोचा था। सेकेंड, शॉप इंडिया डॉट कॉम्स बाय बुक्स ऑफ बुक्स इन इन इंडिया डॉट कॉम, बुक शॉप ऑफ इंडिया डॉट कॉम। टोटल ऑनलाइन बुक स्टोर के लिए कितना प्लेटफॉर्म है? फोर, राइट। आज इसके लिए मैं रेफरेंस बुक में समझा रहा हूँ, जिसे आपको नेक्स्ट टाइम, जैसे कोई भी ऑनलाइन बुक स्टोर की वेबसाइट हो तो उसको क्या क्या मेन होना चाहिए, बुक कैटेगरी वाइज हो, पिक्चर्स के कवर पेज हो, डिस्क्रिप्शन हो, बुकिंग इंक्लूड है, पेज नंबर है, प्राइस होना चाहिए, डिस्काउंट एंड रिव्यू ऑफ द अदर कस्टमर्स, ये सब कुछ। लाइक हम फिजिकली जब बुक सेल कर बाय या सेल करने जा रहे हैं तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने चाहिए, तभी वो ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट का यूज करके बाय करेगा बुक या आपको ऑर्डर देगा। तो ये आइडिया आया था सबसे पहले अमेजोन डॉट कॉम का। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, इसको हम ई न्यूज़पेपर ही बोला जाता है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। लॉकडाउन के टाइम आपने देखा होगा कई सारे पर्सन अभी सॉफ्ट कॉपी ज्यादा यूज करते हैं। सॉफ्ट कॉपी मीन्स व्हाट? पीडीएफ, उसका मेन पर्पज एक ही था जब ऑनलाइन के टाइम, राइट, ये कोविड-19 के अंदर ये सब प्रॉब्लम होने लगा, तो मेन बेनिफिट इसमें लगा कि जिसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करने यूज करने लगा, पेपर। ये सबसे फर्स्ट आइडिया आया था किसको? वॉशिंगटन पोस्ट, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज, जैसे स्पॉट पर्सन है या कोई स्पॉट रीडर है, उसको ओनली एंड ओनली स्पॉट के रिगार्डिंग न्यूज के अंदर इंटरेस्टेड है तो उसको वही न्यूज मिलेगा, जिससे उसको बेनिफिट क्या है, दूसरे पेज वेस्ट नहीं होगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाए, जब आप प्रॉपर मेरे वीडियो देखोगे उसके अंदर ये सब कुछ मैंने प्रॉपर लेटेस्ट अपडेटेड इमेज भी रखा है, जिसे आप इजीली उसको याद रख पाओ। ऑनलाइन ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया, ऑनलाइन ऑक्शन इज अ प्रोसेसिंग ऑफ बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट सर्विस, ऑफरिंग द कस्टमर टू बीड द प्राइस एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द हाइस्ट बीडर। ऑक्शन का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, क्या होता है? राजी हराजी करना और लीलामी करना, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेन है, पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल ऑक्शन होता था उसमें लिमिटेड पर्सन ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, राइट। बट ऑक्शन के अंदर क्या होता है, इंटरनेट का यूज करके पूरे वर्ल्ड में से कोई भी पर्सन आपके ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इंडिया की कोई प्रॉपर्टी
या कोई प्रोडक्ट परचेस करने में वो इंटरेस्टेड है, राइट है, तो बट वो यहाँ पे फिजिकली नहीं आ सकता, तो ऑनलाइन के थ्रू वो वहां पे पार्टिसिपेट हो सकता है और प्रोडक्ट के ऊपर बिड लगा सकता है। यहाँ पे बायर्स नहीं होता, एक ध्यान ये रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे बीडर होता है जो प्रोडक्ट की बीड लगाएगा। बीड का मीनिंग होता है जो भी प्राइस होती है वो हाइड होती है, बोली लगाना, ऐसा उसका मीनिंग होता है हिंदी के अंदर। ओके नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे ऑक्शन की जो वेबसाइट है, ये सब का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, वो वेबसाइट में रजिस्टर करना है, इसके बाद ही वो प्रोडक्ट को बाय या सेल कर सकता है। और जो भी हाईएस्ट प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर बोली लगाएगा उसकी प्रोडक्ट उसको मिल जाएगी, ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं। बट आप जो भी पर्सन प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसको डिजिटल पिक्चर्स रखना पड़ेगा, राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रखनी पड़ेगी, और जो बीडर है, बीडर उसका क्या है, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर वो बीड लगाता है, बीड लगाने के बाद जो प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाती है उसके प्राइस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली बीडर को जो भी आपको टारगेट था वो टारगेट के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो भी काइंड ऑफ द पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ है उसके रिगार्डिंग, इसके बाद ही आपको ये बेनिफिट है। दैट्स मीन्स व्हाट, ये सबसे पहले ऑनलाइन ऑक्शन का आइडिया आया था किसको, किसको आया था, ईबे.कॉम, ईबे.कॉम का ये आइडिया आ चुका था। नेक्स्ट हम इसमें क्लैरिफाई करें, इसके जैसे कितनी वेबसाइट है ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करने के लिए, ईबे.कॉम, ऑनलाइन ऑक्शन.कॉम, mybid.in एंड www.ubid.com। ओके ये टोटल फोर कैटेगरी की वेबसाइट है जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वन टाइम उसकी नोट्स भी डिजाइन करनी पड़ेगी। देन मार्केटिंग एंड सेलिंग, कोई भी प्रोडक्ट का पहले एडवर्टाइज किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। सबसे कोई भी बिजनेस है उसको पहले एडवर्टाइज करने के लिए या भी कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है बाद में सेलिंग करना पड़ता है, वो कंपलसरी नहीं है। तो क्या होता है इसमें, जैसे आप मॉल के अंदर जाते हो तो मॉल के अंदर सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ पे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके अरेंज किए हुए हैं। लाइक एग्जांपल दो फूड, तो सब प्रोडक्ट फूड की होगी कंटिन्यूस, राइट, रॉ मटेरियल जैसे फ्रूट तो फ्रूट का ही होगा, वेजिटेबल तो वेजिटेबल का ही होगा, बट उसमें भी कैटेगरी वाइज उसने अरेंज किया होगा। बाद में जो भी हम लोग प्रोडक्ट अच्छी लग रही है तो हम क्या करते हैं मालूम है, ट्रॉली के अंदर हम रखते जा रहे हैं। ओके सेम ऑनलाइन में भी ऐसा ही होता है, उसको बोलते हैं शॉपिंग कार्ट। जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट डिजिटल इमेज देख के आपको अच्छी लग रही है और आपके प्राइस और बजट में आ रहा है, तो पहले उसने वेबसाइट ने क्या किया, वो प्रोडक्ट को प्रमोट किया, प्रमोट करने के बाद ही आपको आगे प्रोसेस में जंप लगाना है। नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए, देखिए जैसे हम ट्रॉली लेके प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, बाद में समझ में आया ओ मेरा बजट था 5000 का बट मैंने प्रोडक्ट परचेस कर लिए 7000 की, नाउ व्हाट। जैसे आप बिलिंग काउंटर के ऊपर आप जाओगे तब 2000 की प्रोडक्ट वापस रिटर्न कर देते हो, तो ऑनलाइन में भी ऐसे है। जैसे शॉपिंग कार्ट के अंदर आपने ऐड किया था बट अभी आपके बजट में नहीं आ रहा है तो वो विश लिस्ट में चला जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे फ्यूचर में या नेक्स्ट टाइम आप वेबसाइट की विजिट करोगे तो वो प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, ये आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसे ही है। ओके जो भी आपको चेंजेस करना है अननेसेसरी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, पर ये सब पूरी प्रोसेस होगी किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, इंडियन रेलवे के जो एक वेबसाइट है irctc.co.in, राइट, वो क्या करता है ऑनलाइन टिकट और पेमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जैसे ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है तो आपको ई कॉपी, ई कॉपी का मीनिंग क्या होता है, एसएमएस भेज देगा, या भेज देगा एसएमएस, जिसके थ्रू ये सब इजीली क्लैरिफाई कर, हो सकता है आपको मेल भी कर दे पर वो होगा सॉफ्ट कॉपी में। ओके जब भी आप ट्रेन में बैठ रहे होगे एसएमएस भी दिखा दोगे तो भी वो टिकट जैसे ही वैलिड कंसीडर किया जाएगा,
ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट देखिए, ये IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है। जो आपको यहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल सब इंफॉर्मेशन है, कौन से कंपाउंड में कौन से स्टेशन में और कितनी टिकट बुक करवा रहे हो, यहाँ पे पूरी डिटेल्स अवेलेबल होगी। ओके, ये सबसे फर्स्ट मार्केटिंग एंड सेलिंग का आइडिया किसको आया था? homeshop18.com, फ्लिपकार्ट, मित्रा एंड मेक माई ट्रिप। तो ये टोटली फोर और प्लस ये में ओके IRCTC का वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया गया, टोटल फाइव एग्जाम्पल है ओके मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंदर। नेक्स्ट, ऑनलाइन बिलिंग। ऑनलाइन बिलिंग के अंदर भी ऐसा ही है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, कोई भी कंपनी है राइट, वो बिल बनाने के टाइम यहाँ पे कस्टमर को ईमेल के थ्रू बिल भेजेगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, वो पर्सन घर पे आएगा, प्रोडक्ट सेल करने के लिए सब प्रोसेस करेगा, तो लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा। बट अभी क्या है, सिंपल एंड सॉबर राइट, घर पे बैठे बैठे वो पर्सन बिल दे भी जाएगा और हम घर पे वन क्लिक करके बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। जो बीच में लॉट ऑफ टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसका बेस एग्जाम्पल है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये कंपनी ने सबसे पहले ये आइडिया लाया था। उसने क्या किया था भाई, उसके BSNL के लैंडलाइन के जितने कस्टमर है ना, उसका बिल देने के लिए वो घर पे नहीं आते थे, या मनी रिसीव करने के लिए या बिल पेमेंट करने के लिए आपको उसके सर्विस सेंटर पे नहीं जाना है। BSNL ने क्या किया, आपका जो भी टेलीफोन का बिल था वो आपको मेल या SMS के थ्रू आपके मोबाइल में सेंड कर देते हैं, और साथ में बॉटम साइड एक लिंक भी होगी जिसको हम नेट बैंकिंग बोला जाता है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हो, और वो डिस्काउंट भी रखते थे मैक्सिमम, जिससे आप नेट बैंकिंग के थ्रू डाइवर्ट हो पाओ राइट। तो ये सबसे पहला आइडिया BSNL का था। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। ओके, जैसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, आपको जो भी पर्सन के बारे में या कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलनी चाहिए राइट। एग्जाम्पल दिया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट हो, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं, एग्जाम रिजल्ट, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म्स, एग्जाम इन शेड्यूल, सीटिंग अरेंजमेंट, इम्पोर्टेंट नोटिस, ये सब कुछ वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो घर बैठे बैठे सब वेबसाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। तो ये फैसिलिटी है ओके, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने स्टूडेंट को दे रहा है। सेम यहाँ पर भी ऐसा, नेट बैंकिंग की जो भी फैसिलिटी दे रहा है, तो कई ऐसी कंपनी है वो अपने कस्टमर को ओके उसका टाइमिंग या सिर्फ रिमाइंडर करने के लिए भी ये सब ऑप्शन रखते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल, हम उसको गूगल गुरु भी बोल सकते हैं राइट। आपको पूरे वर्ल्ड की जो भी एक्स्ट्रा पर्सन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट, सपोर्ट सर्विस। यहाँ पे भी ऐसे ही है, सपोर्ट सर्विस के अंदर दो तीन एग्जाम्पल जो बेचती है, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसको कैसे सपोर्ट किया जाए ओके। पहले के टाइम पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको शॉप पे फिजिकली जाना पड़ता है, बाद में मालूम पड़ेगा जो रिपेयरिंग करने वाला पर्सन है वो तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है राइट। तो कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते थे, बट यहाँ पे देखो, मेंटेन एंड सपोर्ट व्हेन द प्रॉब्लम अराइज। नेक्स्ट, कोई भी प्रोडक्ट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, कंपनी प्रोवाइड द ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर। जैसे कोई अपने रेफ्रिजरेटर या एसी कुछ भी परचेस किया, तो वो टाइम प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि मैंने एसी परचेस किया, तो पहले क्या होता था, से 10 डेज पहले वापस एसी को ओपन करके आप कंपनी के सर्विस सेंटर में ले जाओ ओके, वापस एक वीक तक रखो, तब तक आपको ट्रबल, वापस वहां से लेके आओ सर्विस सेंटर के अंदर, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होगा, आपका टाइम वेस्ट, वो पर्सन का टाइम वेस्ट। अभी क्या करते हैं, हम मेल उसको सेंड कर देते, कस्टमर केयर के अंदर कंप्लेंट मेल कर सेंड कर देते,
सेंड करने के बाद वो पर्सन आपके पास बोलेगा आप अपने होम टाउन पे, अपने घर पे कितने टाइम पे अवेलेबल हो। मैं बोलूंगा 2 to 4 के अंदर। ओके, तो वही पर्सन, वो बंदा जो सर्विस करने वाला है, वो घर पे आके रिपेयरिंग करके चला जाएगा 2 to 4 के अंदर, राइट है। तो ये प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो सर्विस मिलती है, कस्टमर करके हेल्प मिलती है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शंस बेस्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, सपोर्ट इंजीनियर भी होते हैं। और यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर वेंडर की बात करें, सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड द ऑनलाइन सपोर्ट कस्टमर फ्रॉम एनी प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन टू यूज दैट्स मी सपोर्ट। अभी देखिए आपने कहीं ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी आपके आप यूज कर दो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, राइट है, एंटीवायरस कंपनी है, उसके कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी की ऑफिस आपको लोकल एरिया में नहीं मिलती, फिर भी आपके मोबाइल में या जो भी नया अपडेट आता है वो अपडेट आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है सपोर्ट सर्विस का, राइट। बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाट्सएप का भी, जिसमें कोई हार्डवेयर वेंडर है उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर के ड्राइवर है, वो इंस्टॉलेशन करना वो इंटरनेट के थ्रू। पहले क्या होता था, कोई भी कैमरा परचेस करते या डिवाइस परचेस, उसके साथ सीडी या डीवीडी आती थी। अभी वो डीवीडी या सीडी कुछ नहीं आती, वो ऑटोमेटिक क्या कर देते, आप इंटरनेट पे चले जाना, ये वेबसाइट में वहां से ड्राइवर है वो डाउनलोड कर लेना। तो उसके लिए और आपके लिए दोनों के लिए ऑप्शंस बेस्ट रहेगा। ओके, क्या आपको सीडी डीवीडी पूरे 2-3 साल तक सेव नहीं करना है, मैं सबके पास बचा के नहीं रखना है, या कोई स्क्रैचेस हो गया मे बी सपोर्ट ना भी करें, ऐसा कोई हेडेक नहीं रहता। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दोनों सेम ही है। जैसे बैंक में जाके जो प्रोसेस कस्टमर करता है, कस्टमर के क्या प्रॉब्लम था बैंक के अंदर, पर उसका टाइमिंग आवर्स क्या होता है, फिक्स होता है, राइट। मॉर्निंग 7 to 4, वो टाइम के अंदर आप बैंक के अंदर चले गए तो गुड, नहीं गए तो वापस नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ेगा और वहां पे क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। बट बैंक वालों ने क्या कर दिया, उसकी वेबसाइट बना दी, वेबसाइट के अंदर अकाउंट नंबर रजिस्टर करने के बाद आप बैलेंस चेक कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म द मनी, ओके, स्टेटमेंट निकाल सकते हो, स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेमेंट पे कर सकते हो, लाइक टेलीफोनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हो। जो काम हम घर बैंक में जाके कर सकते हैं, वही सब कुछ प्रोसेस हमको किसके थ्रू करना है, बैंक की वेबसाइट के थ्रू। ये आइडिया आया था सबसे फर्स्ट एसबीआई को। ये सबका फुल फॉर्म एक बार ध्यान रखना, जिससे आपको बैंक का नाम याद रह जाएगा। ओके, एसबीआई, ये आइडिया आया था उसको। आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करोगे लॉग इन करने के बाद, उसका मैंने जो प्रॉपर वीडियो बनाया उसके अंदर इसका मेन राइट इमेजेस स्क्रीनशॉट के अंदर रखा हुआ है, जिसे आपको फटाफट ये सब याद रह जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ को इन इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, पीएनबी एंड देना बैंक, तो ये सब वेबसाइट का लिस्ट अभी आपके लिए स्टार्टिंग में, कि मैं इसके लिए यही चैप्टर 3-4 टाइम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स एंड नॉर्मल ई कॉमर्स। यहाँ पे क्या होगा, देखिए अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स एंड नॉर्मल कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंट है। ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर मेजोरिटी जो डिफरेंट है वो मैं आपको फास्ट फॉर्म में ओवरव्यू करवा दूं। पहले क्या होता था, इंटरनेट नहीं था तो बिजनेस चलाने के लिए आपको फिजिकली शॉप परचेस करनी पड़ती थी। ओके, ये सब आपको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करना पड़ता था, पर कहीं टाइम जियोग्राफी का भी लिमिटेशन आ जाता था, राइट है। बट ऑनलाइन के अंदर कई सारी ऐसी डिसएडवांटेज भी है, जैसे एग्जांपल फूड प्रॉपर परचेस नहीं कर सकते, हाई एक्सपेंसिव ज्वेलरी, हाई फैशन के क्लोथ, क्यों, क्योंकि जब हम क्लोथ परचेस करने जाते हैं ब्रांडेड, तो उसको जब टच नहीं करेगा ना, तब तक उसका जो क्लोथ है उसका जो क्वालिटी है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लाइक परफ्यूम है। ऑनलाइन के अंदर तो क्या होता है, एक बार आप यूज कर ले तो तब बाद में मालूम पड़ता है ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है,
इसके बाद कहीं ये सब डिसएडवांटेज है जो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर हम कर सकते हैं। ओके तो क्या कर सकते हैं, देखिए उसकी एक लिमिटेशन भी दे दिए ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर सम फीचर्स के, ऑपरेट विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी पर्सन है वो अपना बिजनेस आवर्स फिक्स करता है, तो मॉर्निंग 7 से लेके नाइट 7 तक नो शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन द कॉम्प्यूटर। जो दोनों पास पास में शॉप कीपर हो गए फिर भी एक दूसरे की प्रोडक्ट की प्राइस सबकी डिफरेंट हो सकती है और कस्टमर को वो मालूम भी नहीं पड़ेगा। हायरिंग द सेल्स पर्सन, सेल मैनेजर, सब कुछ पर्सन को हायर करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपने शॉप परचेस की है या रेंट पे लिया हुआ है तो उसके अंदर फर्नीचर कराओगे, लाइट बिल पे करोगे, मेंटेन करोगे, राइट है। एक सेल्स पर्सन रखोगे कि कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाएगा कौन, राइट है, इसके जैसा काम है। देन लोकेशन, यस, अभी आप प्रोडक्ट दिखाने के लिए प्रोडक्ट का स्टॉक रखोगे, कस्टमर को आंसर दोगे, ओके, ये सब हेडेक कौन लेने वाला है ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर। बट इंटरनेट का यूज करने के बाद ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या मीनिंग है, एडवर्टाइज द प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक वेज, एक सिंपल इमेज इंस्टॉल करके आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर सकते हो, कस्टमर कैन ब्राउज थ्रू द कैटलॉग, पूरी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन और कैटलॉग उसको इंटरनेट के वेब ब्राउजर के थ्रू मिल जाएगा। पेमेंट, ई पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, ओके, तो आपको पेमेंट करने के लिए वहां पे फेस टू फेस जाना ही नहीं है, घर से बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हो। गुड्स आर डिलीवरी कस्टमर विद इन अ फ्यू डेज, आपने उसके कोई मेंबर बन गए हो, लाइक अमेजोन प्राइम का मेंबर हो, तो आपको शॉर्ट टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट की डिलीवरी भी मिल जाती है। रिड्यूस द पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस होता है, ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, राइट है, तो ये सबसे बेनिफिट आपको मिलता है, ये ई कॉमर्स का बेनिफिट जैसा काम है। ई कॉमर्स इंडिया में आने की वजह से इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, बट इंटरनेट के यूजर तो प्लस हो ही गए, राइट है, इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, और प्लस बायर और सेलर का भी, जो पर्सन बिजनेस नहीं करना चाहते वो भी बिजनेस स्टार्ट करने लगे, उसके अंदर भी उसने क्लैरिफाई किया है। मैनी फैक्टर्स आर प्लेइंग द रोल ग्रोथ द ई कॉमर्स इन इंडिया, उसमें मेन ग्रोथ द टेक्नोलॉजी फैसिलिटी लाइक इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड एंड 3G, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, डोंगल्स, ये सब ज्यादा परचेस करने लगे और यूज करने लगे। इंक्रीज द यूज ऑफ द मोबाइल, मोबाइल का डे बाय डे यूज ज्यादा होने लगा। वाइडर प्रोडक्ट अवेलेबल है, बिजी लाइफ स्टाइल है, ट्राफिक का प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पे क्या होता है जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई हॉलीडे होता है तभी सबको शॉपिंग करने निकलना पड़ता है, तो एक ही शॉप के अंदर कितना क्राउड हो जाता है, राइट है। नेक्स्ट, लोअर प्राइस कंपेयर मॉनिटरिंग, ओके, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो इसे बेनिफिट है। इंक्रीज द यूज ऑफ द ऑनलाइन क्लासिफाई साइट, इसके लिए कई सारी वेबसाइट इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, लाइक एग्जाम्पल ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर हम बात करें ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कई सारी ऐसी वेबसाइट इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, क्योंकि उसके बड़े कस्टमर तो आपको इंडिया से ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, इसके थ्रू ई कॉमर्स के अंदर इंडिया में लो प्राइस की वजह से देखो कितनी सारी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, फ्लिपकार्ट है, ईबे इंडिया है, स्नैपडील है, अमेजोन इंडिया है, मित्रा है, डोमिनोज है, पेटीएम है एंड जबांगा है, ये सब वेबसाइट ई कॉमर्स के रिगार्डिंग है। कोई न्यू प्रोडक्ट सेल करता है, कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल लगाता है, कोई ऑक्शन की है, बट ये सबको बोला क्या जाता है, ई कॉमर्स। अभी ये सब तो हमने देखा, इसमें इंडिया में जो 80% है ना बिजनेस, राइट, ई कॉमर्स के केस ऑन डिलीवरी, हम उसको बोले COD, पहले प्रोडक्ट चेक करेंगे जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी वही है, उसके बाद ही पेमेंट रिलीज करते हो, तो ये मेथड इंडिया में फेमस है और ये गिफ्ट पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स,
क्या है ई कॉमर्स के एडवांटेज है? तो फर्स्ट, कंडक्ट द बिजनेस 24, इसको लॉकडाउन या कोई बिजनेस आवर्स नहीं होता, कभी भी ऑनलाइन 365 डे ऑर्डर आ सकता है। सिंपल, मैं बेसिक फंडामेंट आपको क्लियर करने के लिए मेन मेन पॉइंट ये आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सेकंड, लो प्राइस। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है कि प्रोडक्ट के सेलर को कोई शॉप ओपन नहीं करना है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई स्टॉक नहीं रखना है, राइट? इससे क्या बेनिफिट मिल गया उसको? मेंटेनेंस लेस हो गया, ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का? डाउन। जैसे आप बड़े बड़े मॉल के अंदर जाते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट की प्राइस हाई क्यों होता है? क्योंकि मेंटेनेंस, एसी, तो खुद का तो ऐड नहीं करेगा, ये सब निकालेगा कहाँ से? कस्टमर के अंदर प्राइस अप करके। तो सेम पॉइंट यहाँ पर भी है। इसके बाद, नो बाउंड्री और जियोग्राफिकल लिमिटेशन। क्यों ऐसा? यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर से कहीं से भी कभी भी ऑर्डर आ सकता है। इम्प्रूव द बेटर कस्टमर सर्विस, एक ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आप कस्टमर के साथ कनेक्ट रह सकते हो, राइट? टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स व्हाट? एक प्रॉपर स्मॉल ऑर्गेनाइज करके, जैसे एग्जांपल, कस्टमर केयर का एक पर्सन होगा जो मेल के थ्रू कस्टमर की कंप्लेन एक्सेप्ट करेगा और उसको रिप्लाई देगा। एक सर्विस सेंटर के लिए रखा होगा जो सर्विस के रिगार्डिंग ऑनलाइन हेल्प कर सकता है और फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। एलिमिनेट ट्रैवलिंग टाइम और कॉस्ट। क्यों ऐसा? जब डिस्टेंस नहीं है, आपको फिजिकली स्टोर पे जाना नहीं है, तो पेट्रोल का भी टाइम बचेगा, पेट्रोल का वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी बचेगा, दोनों का काम हो जाएगा, तो ये भी बेस्ट है। नेक्स्ट है स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक हम फास्ट शॉपिंग कर सकते हैं, और आप प्राइम मेंबर हो तो आपको वापस डिलीवरी भी फास्ट मिल सकती है। ओके, और अभी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, बाय फ्रॉम होम, ऑफिस, एनी प्लेस। तो हमारे सोसाइटी में आप जहां भी अवेलेबल हो वो प्रोडक्ट वहां पे डिलीवर कर सकते हैं। लेस ट्रैवलिंग टू परचेस प्रोडक्ट। जैसे पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक का भी कोई इश्यू नहीं होगा। हेल्थ केयर, जैसे कोविड के अंदर तो यही चल रहा था, राइट? स्विगी, जोमेटो, उसकी वेबसाइट का यूज करके आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो कितना है भाई? कोविड नहीं आता, न्यूज़पेपर से कोविड आता है, पर ऑनलाइन फूड मंगवाने से कोविड नहीं आता, ऐसा हमारा मानना है, राइट? है डिस्टेंस लर्निंग, जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं। आप अपने घर पे हो, मैं मेरे घर पे हूँ, फिर भी मैं हम डिस्टेंस लेंगे। ये भी ई कॉमर्स का पार्ट है, लाइक जूम है, गूगल मीट है, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसकी है? डिस्टेंस लर्निंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देख ले। अभी यहां से लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स, क्या क्या लिमिटेशन है ई कॉमर्स की? सबसे फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन टू चेंज। कई ऐसे सारी प्रोडक्ट है जो पेपरलेस और फेसलेस होती है, तो इसे क्या एक लिमिटेशन आ जाता है, प्रोडक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक हाई कॉस्टली ज्वेलरी है, वो सब परफ्यूम है, एक बार यूज करने के बाद ओके आपको अलाउड नहीं करेगा वो चेंज करने के लिए, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड, इनिशियल कॉस्ट। ई कॉमर्स जब स्टार्ट करते हो ना तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, टेक्नोलॉजी से अवेयर करना पड़ता है, कंप्यूटर परचेस करने पड़ेंगे, इंटरनेट गुड स्पीड वाला होना चाहिए, 4G या 5G स्पीड कनेक्टेड होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो बिजनेस आप यूज करो तो इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड, सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स के अंदर मेन जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी है, वो है डेटा और इंफॉर्मेशन को ट्रैवलिंग और इंटरनेट, कोई हैकर कोई पर्सन का डेटा या प्राइवेसी लीक ना कर दे, राइट? है तो यहाँ पे ये भी एक इंपो, क्योंकि कई टाइम क्या होता है मलिशियस और एक्सटर्नली उसका मिसयूज हो सकता है। फोर्थ वन, प्राइवेसी, बट वे सम कंपनी को हमारा सब डिटेल देते हैं, लाइक कस्टमर का नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, जिससे वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाए, बट ये हमारी प्राइवेट डिटेल थी, वो हमने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रख के हमने इन्फॉर्म किया है,
तो कंपनी का मिस अमेजॉन या स्नैपडील या फ्लिपकार्ट या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका डेटा को सिक्योर किया जाए, जिसका इसका कोई हैकर या अनऑथराइज पर्सन फ्यूचर में इसका मिसयूज ना करें, क्योंकि ये सब क्रिटिकल डिटेल्स हैं। लेक ऑफ ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ऑनलाइन के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, ओके, आपने ऑनलाइन मंगवाया था मोबाइल आ गया स्टोन, पॉसिबिलिटी है स्टोन आ सकते हैं, तो सेम यहाँ पे लीक ऑफ ट्रस्ट है। सिक्स क्या है, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ